नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। शत्रुघ्न सिन्हा के मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर दिए गए बयान के बाद लगातार विवाद जारी है। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर कहा है कि जब पार्टी बदलती है, जब दल बदलते हैं तो जुबान बदल जाती है। आप सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। वही है, पार्टियां बदलती हैं, सोच बदलती है। वो जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टी की जैसी सोच है उसके आधार पर वो अपने बयान दे रहे हैं। अच्छा, और शैला रशीद ने कहा है कि जो हिंदू हैं वो शाम में बैठकर हिंदू और मुसलमान एक तरफ शराब पीते हैं और दारू पीते हैं, क्या ये सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाली बात नहीं है? ये बिल्कुल, ये आपको तेजित करने, प्रवोक करने वाले सारे भाषण हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके के भाषणों का संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि कन्हैया जी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं CPI को भी अपनी तरफ से इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या उनकी भी सोच ऐसी है जैसे उनके प्रचारक जिस तरीके से आकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण तो मुझे लगता है उनकी तरफ से भी आना चाहिए और इलेक्शन आयोग को भी इस तरीके की बातों पर संज्ञान लेना चाहिए जो कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने वाला काम करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरह का बयान दिया, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? ये बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी को खुद स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी भी सोच है। मैंने तो कहा कि जिस पार्टी में लोग जाते हैं उस पार्टी के की भाषा बोलने लगते हैं। शत्रु जी जब तक यहाँ पर थे तब तक तो इन्होंने ऐसी कोई बात बोली नहीं थी जब तक वो भाजपा में थे। अब रातों रात वो कांग्रेस में गए हैं, उनकी धर्मपत्नी जी सपा में गई हैं, तो अब ये उस तरफ का जो महागठबंधन है ये उनकी सोच को दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो सुन लिया आपने, LJP के सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं और जमुई लोकसभा चुनाव भी वो लड़ रहे हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर कड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा BJP को छोड़कर अब कांग्रेस में जा चुके हैं, पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव एक बार फिर से लड़ रहे हैं, मौजूदा सांसद भी हैं और उनके इस बयान के बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन के नेता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन मांझी पल्ला झाड़ लिए शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से, तो वहीं अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि दल बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं तो जुबान बदल जाती है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे बिना देरी के अभी सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं।